नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करूँगा वैष्णो जो धर्म की है, इसे वैष्णो धर्म। देखो दोस्तों, वैष्णो धर्म के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे मैं वो सारे लेके आया हूँ दोस्तों। इससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये कुछ 5, 10 से 20 क्वेश्चन हैं दोस्तों, जिन्हें आप एक बार देख लो तो वैष्णो धर्म आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। अगर बनता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, वैष्णो धर्म के बारे में, और इसे भगवत धर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैष्णो धर्म को ही भगवत धर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और वैष्णो धर्म के बारे में कुछ जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। वैष्णो धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो किस धर्म से? भागवत धर्म से। ठीक है दोस्तों, वैष्णो धर्म का विकास किस धर्म से हुआ है? तो वैष्णो भगवत धर्म से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णो धर्म का विकास कब हुआ? तो कौन सी सदी में हुआ, कौन सी शताब्दी में हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आ जाए क्वेश्चन, तो 6वीं शताब्दी में, या 600 भी लिखा सकता है, 600 ईसा। ठीक है दोस्तों, 600 ईसा भी लिखा, 6वीं शताब्दी भी लिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वैष्णो धर्म के बारे में कहाँ से पता चला? तो सबसे पहले जो वैष्णो धर्म के बारे में सबसे पहले उपनिषदों से पता चला था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए, वैष्णो धर्म के बारे में कहाँ से पता चला? तो कहाँ से? उपनिषदों से सबसे पहले पता चला था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वैष्णो धर्म के जो प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है दोस्तों, कौन थे प्रवर्तक? श्री कृष्ण भगवान। ठीक है दोस्तों, वैष्णो धर्म के जो प्रवर्तक पूछा जाए तो कृष्ण भगवान। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर, कृष्ण भगवान कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों ये आप सभी को क्लियर होगा कि कृष्ण भगवान है जो मथुरा के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छंदो उपनिषदों में सर्वप्रथम किसका उल्लेख मिला? तो किसका उल्लेख मिला था? देव की पुत्र और अंगिरस श्री कृष्ण शिष्य का। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण कृष्ण भगवान का, और कृष्ण भगवान के जो गुरु थे वो अंगिरस थे, और उनका, और देव की पुत्र का। ठीक है दोस्तों, अगर देव की पुत्र लिखा जाए, देव की पुत्र का मिला तो, या अंगिरस के शिष्य का मिला। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कृष्ण भगवान के संबंधित ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप ये हमेशा याद रखना। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर है 7। तो जो भगवत गीता में किस धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो किस धर्म का सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? भागवत धर्म का। ठीक है दोस्तों, भागवत धर्म का। ठीक है दोस्तों, भगवत गीता में किस धर्म, किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है? तो मिलता है भागवत, ठीक है दोस्तों, धर्म का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है 8। 8 है, कृष्ण अथवा वासुदेव के उपासक किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से जाने जाते थे? भागवत के नाम से। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है, और कृष्ण या भगवान की जो प्राप्ति है उसका मुख्य स्रोत क्या बताया है? तो आ जाए, तो उसका भक्ति मुख्य स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, किस देवता का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण के रूप में किया जाता है? तो विष्णु भगवान का। ठीक है दोस्तों, विष्णु का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार मिलते हैं? तो कितने अवतार मिलते हैं? 10 अवतार। ठीक है दोस्तों, मत्स्य जो पुराण है, विष्णु के कितने अवतार मिलते हैं उसमें? 10। ठीक है दोस्तों, 10 की बात करें तो मत्स्य, कुरुम, रहा, नरसिम्हा और बामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कलिक। ठीक है दोस्तों, ये 10 अवतार मिलते हैं विष्णु भगवान के, जो मत्स्य पुराण में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या बताया गया है? तो जो जो वैष्णव धर्म है इसमें ईश्वर की जो प्राप्ति का मुख्य स्रोत बताया गया है वो भक्ति बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? तमिल प्रदेश। वैसे दोस्तों मैंने एनसीईआरटी के बुकों में देखा था तो उसमें अधिकतर है तो उत्तरी भारत में मिलता है वैष्णव धर्म का। ठीक है दोस्तों, जो कृष्ण के अधिकतर उपासक हैं वो उत्तरी भारत में मिलते हैं, जैसे मथुरा साइड। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनान के राजदूत मेगथिस ने कृष्ण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है था? तो हेराक्लीज का। ठीक है दोस्तों, जो यूनान का एक राजदूत था जिसका नाम मैग्नेथिस था, ठीक है दोस्तों, उसने कृष्ण भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो हेराक्लीज का। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेथिस कृष्ण भगवान को किस नाम से पुकारते थे? हेराक्लीज के नाम से। ठीक है दोस्तों, हेराक्लीज के नाम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं जो आपके लिए बना के लेके आता हूँ ये वीडियो, इतनी मेहनत करता हूँ, आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा अपने आप पे विश्वास बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 14, वैष्णव धर्म के लिए ये प्रसिद्ध भारतीय भक्तों के नाम बताएं। ठीक है दोस्तों, जो वैष्णव धर्म के जो प्रसिद्ध भारतीय भक्त थे उनका नाम पूछा गया है, तो रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और कबीरदास जी, रामानुजाचार्य आदि थे। ठीक है दोस्तों, ये जो वैष्णव धर्म की प्रवर्तक जो वैष्णव धर्म के भक्त थे, ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये धर्म अपनाया था। ठीक है दोस्तों, कौन को? रामानुजाचार्य, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और एक कबीरदास जी। ठीक है दोस्तों, कबीरदास जी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 15, तो 15 है, वासुदेव किस जैन तीर्थकर के समकालीन माने जाते थे? तो क्या आएगा दोस्तों? अष्ठी नेमी। ठीक है दोस्तों, अरिष्ठ नेमी। ठीक है दोस्तों, कौन सा? अरिष्ठ नेमी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, एक जो ये नोट है, ये भगवान भगवत धर्म किस धर्म में परिवर्तित हो गया? तो किस में? वैष्णव धर्म में। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था जो भगवत धर्म था पहले ये ही वैष्णव धर्म है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ है दोस्तों नोट, भगवान विष्णु के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो कितनी? 6। दोस्तों जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार वीडियो से फिर से देख लें तो आपके पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब।